हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL का जो आपका एग्जाम होने वाला है 31 अगस्त 2019 को। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है 31 अगस्त 2019 को NFL का एग्जाम है ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल का। अब यहां पर इस एग्जाम के रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा रहे हैं, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सर निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होगी या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब बातों नहीं पता है, तो आज की इस वीडियो में हम टोटल डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, प्लस मेरी कुछ गाइडलाइन आप लोगों को लिए रहेगी कि एग्जाम में किस प्रकार आपको एग्जाम को हल करना है। दोस्तों देखिए क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है तैयारी, सभी स्टूडेंट्स की रहती है, तैयारी सभी स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप एग्जाम हॉल में आपका माइंडसेट क्या है, आपकी एग्जाम देने से पहले प्लानिंग आपने करी है या नहीं करी, ये बहुत कुछ चीजें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, आप एग्जाम देते हो और आते हुए क्वेश्चन काफी रॉन्ग हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, आपकी पहले से प्लानिंग नहीं है, आपको एग्जाम पैटर्न का पता नहीं है, आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ नहीं गए, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम को फाइट करने में मदद करती है। और हमें पूरी प्लानिंग के साथ में एग्जाम को देना चाहिए, एग्जाम का पूरा पता होना चाहिए, क्या एग्जाम का पैटर्न है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार क्वेश्चन जब आता है तो ऑटोमेटिकली हम क्वेश्चन को कैच करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों जो आपका एग्जाम होने वाला है 31 अगस्त 2019 को, यानी कि 3 दिन का समय आप लोगों के पास है, उस एग्जाम में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 150 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। सेकंड बात आती है टाइम की, कि आखिर 150 क्वेश्चन को हल करने के लिए समय हमको कितना मिलेगा, तो इसके लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे के समय में आपको 150 क्वेश्चन को हल करना होंगे। दोस्तों एग्जाम में टाइम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और हमें टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करना है। अब यहां पर देखिए जो आपके 150 क्वेश्चन होंगे वो हमारे बोथ लैंग्वेज में होंगे, यानी कि इनकी लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सेकंड बात आती है दोस्तों क्या निगेटिव मार्किंग की, तो यहां पर आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, यहां पर आपके एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्लियर है। अब यहां पर देखिए जो आपके 150 क्वेश्चन होंगे उसको 2 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट की यदि हम बात करें तो पहला पार्ट आपका टेक्निकल रहेगा जिसमें आपके 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, सेकंड पार्ट की यदि बात करें तो सेकंड पार्ट आपका नॉन टेक्निकल रहेगा जिसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहां पर ध्यान रखिएगा जो 100 क्वेश्चन वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, वो आप उसमें क्या पूछा जाएगा, उसमें आपकी ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि यदि आप फिटर ट्रेड से हो तो आपसे फिटर ट्रेड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यदि आप वेल्डर ट्रेड से हो तो आपसे वेल्डर ट्रेड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मशीनिस्ट वालों को मशीनिस्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अपने ट्रेड के यहां पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट, यानी कि जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा जो 50 क्वेश्चन है उसमें लगभग 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे जर्नल इंग्लिश के, तो यहां पर जर्नल इंग्लिश आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस एवं जर्नल नॉलेज, तो ये सभी से मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आप क्वेश्चन पेपर को हल करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को हल करना है अपने टेक्निकल पार्ट को, बिकॉज उसका रीजन क्या है, देखिए दोस्तों टेक्निकल पार्ट एक हमारा ऐसा पार्ट है कि इसमें टाइम हमारा बहुत सेव होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन को यदि हम हल करेंगे तो आसानी से हम 60 मिनट में हल कर सकते हैं। यहां पर क्या है, डायरेक्टली हमको क्वेश्चन को पढ़ना है, यदि हमारा राइट आंसर हमको पता है तो डायरेक्टली टिक करना है। लेकिन बात करें यदि सेकेंड पार्ट की, तो वहां पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमको, तो वहां पर थोड़ा सा हमारा टाइम जो है लगेगा। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, टेक्निकल पार्ट को कंप्लीट करना है। टेक्निकल पार्ट को कंप्लीट करने के बाद देन आपको जाना है सेकंड पार्ट की ओर और वहां पर नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन को कवर करना है। अब यहां पर काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सर टेक्निकल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, सर आप अपने अनुसार यहां पर क्लियर करिए। देखिए क्या है, NFL की वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो वहां पर उन्होंने एक सैंपल पेपर आप लोगों के लिए
वहां पर अपलोड किया है, तो उस सैंपल पेपर में काफी सारे ट्रेड के क्वेश्चन उन्होंने प्रोवाइड करे हैं। उस सैंपल पेपर को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, तो वहां पर मैंने देखा उस सैंपल पेपर में आपके आईटीआई लेवल के ही क्वेश्चन दिए गए हैं, और आप इस बात से बेफिक्र रहे हैं, जो आपका 100 नंबर वाला पार्ट है उसमें टेक्निकल पार्ट में आपके आईटीआई लेवल के ही क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल टेक्निकल क्वेश्चन वहां पे, तो वो भी सब आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यानी कि ऑल ओवर थ्योरी से 100 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, 50 क्वेश्चन में जर्नल इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जर्नल अवेयरनेस, इन सभी से मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी नहीं, 120 मिनट आपको हल करने के लिए समय दिया जाएगा, तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शांतिपूर्वक आपको क्वेश्चन पेपर को हल करना है। क्या होता है कभी कभार, क्या होता है दोस्तों, हम एग्जाम पेपर को हल करते टाइम शुरुआत में जब हम एग्जाम को देखते हैं, और वहां पर जब हम एग्जाम पेपर को देखते टाइम 10-15 क्वेश्चन तक स्लाइड करते हैं, और हमको लगता है कि यार बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं और हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, वहां पर हम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर को देखते टाइम ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, हर क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, आधा क्वेश्चन पढ़ के राइट आंसर टिक नहीं करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पूरा पढ़िए, देन समझिए, उसके बाद एक बार कंफर्म होइए खुद में कि हाँ जो मैं करेक्ट आंसर लगा रहा हूँ को रियल में करेक्ट है, कहीं मैं एक्साइटमेंट में करेक्ट आंसर तो नहीं लगा रहा हूँ। कई बार आप लोगों के साथ में हुआ होगा ये बात, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर क्या आते हुए क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं, उसका रीजन क्या, और वही जो कुछ नंबर होते हैं जो आपको कट ऑफ में लेकर जाएंगे। इसलिए दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जितना आप लोगों की तैयारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपोर्टेंट है कि आप एग्जाम हॉल में किस प्रकार से अपने क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हो। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक अपने क्वेश्चन पेपर को हल करिए। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक, आशा करता हूं ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस एग्जाम के रिगार्डिंग मिल गई होगी। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। 3 दिन है आपके पास, और इन 3 दिन में आप अपने टेक्निकल को एक बार टोटली कवर कर सकते हैं। खुद के अंदर देखिए मेरे कौन से टेक्निकल के टॉपिक हैं जो वीक हैं, तो उन वीक टॉपिक को थोड़ा सा पढ़िए, उसके बारे में बेसिक क्लियर करिए, डेफिनेटली वहां पर उनसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कवर कर सकोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।